हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही फेवरेट चैनल पे। हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक हेल्थी टिप्स लेके। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं हमारी टिप्स छोटी छोटी होती हैं और वही होती हैं जो घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी हेल्दी टिप्स आप जान सकें। आज हम बताएं प्याज के बारे में। हाँ दोस्तों, एक ऐसी सब्जी है जो टेस्टी तो लगती है पर ये जितना स्वाद उतना ही रुलाती है। हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सच्चाई है। उन घर की लेडीज से पूछिए जो दिन में 4 या 5 बार आपके लिए प्याज काटती हैं और कितने आंसू निकालती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें, जिनको आप प्रयोग करें तो आप प्याज से काटने से आने वाले आंसुओं से बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगता है पर ये सच्चाई है। प्याज काटते वक्त अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आंसू नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको हाँ तो दोस्तों, प्याज काटते समय आंसू नहीं आए इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें कुछ सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जिस भी कमरे में या किचन में प्याज काट रहे हैं वहाँ पे लाइटों को अच्छे से जला लें। हाँ दोस्तों, 1 या 2 जितने भी लाइट्स आपकी किचन में या रूम में अवेलेबल है उन सभी लाइट्स को जला लें। खिड़कियों को खोल दें और लाइट को जला लें और उसके अलावा जो फ़ैन है उसे बंद कर दें। हाँ दोस्तों, आप पंखे को, जितने भी पंखे आसपास चल रहे हैं, आसपास के रूम में चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। किचन में चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए और उसके बाद आप प्याज को काटना शुरू कीजिए। सबसे पहले हमें प्याज को क्या करना है, छिलका उतारने के बाद इसे एक पानी में डाल देना है। हाँ दोस्तों, पानी में डाल देना है। उसके बाद पानी से निकले हुए प्याज को जब भी आप काटेंगे इसके स्लाइसेस तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। पहला उपाय ये है दोस्तों। दूसरा उपाय ये है कि जब आप प्याज काट रहे हों उसके जस्ट पास में एक कैंडल को जला लीजिए। हाँ दोस्तों, इस कैंडल को आप अच्छे से पास में प्याज के ही जस्ट पास रख के जला लीजिए और फिर ओनियन को काटिए और देखिए आपको बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तीसरा उपाय जो एक फनी उपाय है पर दोस्तों बहुत ही कारगर है। हाँ दोस्तों, जब भी हम बच्चों को खिलाते हैं तो हम कई बार सीटी बजाते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों, आप जब भी आप प्याज काटें, प्याज काटते समय को बजाइए। हाँ लोग, लड़के जो हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए जो सीटी बजाते हैं वो बिल्कुल गलत है। प्याज काटने के लिए बजाई हुई सीटी सही है। तो क्या करें, प्याज काटते सीटी बजाते रहिए, प्याज काटिए, कैंडल जलाइए, लाइट जलाइए, फैन को बंद रखिए, प्याज काटिए, बहुत सी प्याज की अच्छी अच्छी डिशेज बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग, हैव अ नाइस डे।